हेलो फ्रेंड्स, makefoodeasy.com में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं समर स्पेशल टिंडे की सूखी सब्जी। टिंडे की सूखी सब्जी बनाने के लिए आप देख सकते हैं 400 ग्राम मैंने टिंडे लिए हैं, जिनका छिलका उतार के उसको अच्छे से वॉश किया और इस साइज में कट कर लिया था। टिंडे ज़्यादा बड़े साइज़ के मत लीजिएगा, इसी तरह छोटे साइज़ के लीजिएगा और इतना ही साइज़ में कट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन रखेंगे, गैस पे ऑन करेंगे गैस को और 2 to 3 टेबल स्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो करिएगा। इसमें हमने ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि हम इसको बिल्कुल सूखी सब्जी बनाएंगे, पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। तो जिन सब्जियों में हमें पानी ऐड नहीं करना होता उनमें थोड़ा सा ऑयल जो है वो थोड़ा ज़्यादा डालना होता है। अच्छे से गर्म होने देंगे पहले इसे। देखिए कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे 1/2 टेबल स्पून राई और 1/2 टेबल स्पून साबुत जीरा। थोड़ा सा इसे भून लेंगे अच्छे से। राई और जीरा जो है अच्छे से भुन चुका है, हम इसमें जो हमने टिंडे काट के रखे हुए थे उनको डाल देंगे। अच्छे से पहले इसको एक बार चलाएंगे। और अब इसमें हम 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, आप स्वादानुसार नमक डालिएगा। और अच्छे से चलाएंगे पहले इसे। टिंडे की सूखी सब्जी जो है रोटी के साथ, पराठों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है और आप इसे आराम से टिफिन में भी कैरी करके ले जा सकते हैं। ये देखिए हल्दी और नमक को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। हमें बस इसको इतना ही कवर करना है कि जो टिंडे हैं वो हमारे सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट हो गया है, चेक कर लेते हैं हम एक बार। आप एक टिंडे को इस तरह से थोड़ा सा बीच में से कट करके देखें, इजीली कट हो रहा है, इसका मतलब जो टिंडे हैं वो हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अगर ना हो तो आप दोबारा से 2 मिनट के लिए भी इसे और पका सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे और मसाले। हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अच्छे से मिलाएंगे इसे। और अब हम इसे 1 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, जिससे जो सारे मसाले हैं वो टिंडों के ऊपर आराम से अंदर तक चले जाएं। एक मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं जो मसाले हैं वो अच्छे से टिंडे में बिल्कुल मिल गया है। और अब मैं इसमें आपको एक ऐसी चीज़ डालना बताऊंगी जो कि हमारे घर में हमेशा अवेलेबल होता है, लेकिन उससे जो आपकी टिंडे की सब्जी का स्वाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम इसमें डालेंगे बेसन 2 टेबल स्पून। आप सोच रहे होंगे कच्चा बेसन ही, बिल्कुल आपको कच्चा बेसन ही डालना है, इसमें आराम से रोस्ट हो जाएगा। अब हम इसे 1 मिनट तक इस तरह चलाएंगे। आप इस तरह से सब्जी बनाएंगे तो आप देखना आपके घर में सबको बेहद पसंद आएगी। बेसन जो है वो वैसे भी बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है, इसीलिए आप इसमें कच्चा बेसन ही यूज़ लें, रोस्ट ना करें पहले उसे। इसे टिंडों के साथ ही रोस्ट होने दें इस तरह से।
ये देख लीजिए बेसन जो है सारा कोटेड हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, और 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला, मिला लेंगे इसको। फ्लेम ऑफ कर देंगे अब हम, और इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही स्वादिष्ट सूखे टिंडे की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। और मैं इस पे थोड़ा सा धनिया पत्ती जो है स्प्रिंकल कर दूंगी। आप मेरे द्वारा बताई गई इस टिंडे की सब्जी को ज़रूर ट्राई करें घर में, और मुझे बताएं कि आपके घर में सबको ये सब्जी कैसी लगी। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप मुझे ये भी बताएं कि आपको और किसकी सब्जी खाना पसंद है, जिससे मैं आपके लिए वो नेक्स्ट रेसिपी ला सकूँ।